हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समीपवर्ती दांतराय कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में लोगों से रुपए लूटने के लिए बदमाशों द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा बकाया बिलों की वसूली की कार्रवाई को देखकर एक बदमाश ने बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर दांतराय व हरनी अमरापुरा गांव स्थित कृषि कुएं व घरों में जाकर बिजली बिल जाँच कर कनेक्शन काटने की धमकी देकर किसानों से अवैध वसूली की गई, जिसके बाद ग्रामीणों को सूचना मिलने पर दांतराय बिजली विभाग के JEN पुनीत दर्जी को इस बात की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने फर्जी युवक होने की आशंका जताई, जिस पर उन्होंने वहां के कर्मचारी को उन जगह पर भेजा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। उसके बाद ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर फर्जी युवक होने की सूचना जारी की, जिसके बाद ग्रामीणों को सूचना मिलने पर दांतराय बिजली विभाग के JEN पुनीत दर्जी को इस बात की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने फर्जी युवक होने की शंका जताई, जिस पर उन्होंने वहां के कर्मचारी को उन जगह पर भेजा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। उसके बाद ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर फर्जी युवक होने की सूचना जारी की, जिस पर धानर रोड स्थित तेजाराम देवासी प्रखाराम के कृषि कुएं पर फर्जी कर्मचारी युवक ने वसूली की कोशिश की, लेकिन भनक लगने पर वहां से भागने लगा, लेकिन वहां मौजूद किसानों द्वारा उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद लोगों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और उसके पास से दस्तावेज देखे, जिसमें आधार कार्ड पर चेकला जसवंतपुरा निवासी मोपाराम लिखा हुआ था और उसके जेब से अवैध वसूली के रुपए भी निकाले। उसके बाद उसको पकड़कर पुलिस चौकी में सुपुर्द किया गया। वहीं आरोपी के पास से बिजली काटने के औजार भी बरामद किए। ठगी का शिकार हुए दोनों युवक ने पुलिस से राशि को पुनः दिलवाने की मांग की, जिस पर फर्जी विद्युत कर्मचारी मोपाराम पुत्र मालाराम निवासी चेकला जसवंतपुरा जिला जालौर ने पुलिस को स्वयं के पास पैसे नहीं होने पर अवैध वसूली की बात स्वीकारी। जागरूक टीवी के लिए रेवदा जीरावल से अमृत प्रजापत की रिपोर्ट।